इस नवंबर महीने में ढेर सारी फिल्में रिलीज हो गई थीं। बॉलीवुड की फिल्मों से लेकर साउथ की, तमिल की, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं की बहुत सारी फिल्में इसी महीने रिलीज हुई। इन फिल्मों में बहुत सारी फिल्मों में गजब का कारोबार किया। वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े बजट की फिल्में निराश भी कर गईं। इन फिल्मों में आमिर खान की फिल्म काफ़ी अहम थी, लेकिन उस फिल्म ने दर्शकों को काफ़ी निराश किया। वहीं दूसरी तरफ तेलुगु सिनेमा की फिल्म अमर अकबर एंथनी भी इसी महीने रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म ने भी दर्शकों को काफ़ी हद तक मायूसी किया था। वहीं 6 नवंबर को साउथ सुपरस्टार विजय की तमिल भाषा की फिल्म सरकार भी भारत सहित पूरे दुनिया में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म ने काफ़ी अड़चनों के बाद भी जमकर कमाई की। मात्र 8 दिनों में 200 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड भी इस फिल्म ने बनाया था। वहीं सनी देओल के फैंस के लिए भी ये महीना बहुत बढ़िया था। इस महीने सनी देओल की 2 फिल्में रिलीज़ हुई। फिल्म मोहल्ला 80 और दूसरी भैयाजी सुपरहिट फिल्म थी। ये दोनों फिल्में लगातार 16 नवंबर और 23 नवंबर रिलीज़ हुई थी। दूसरी फिल्म भैयाजी सुपरहिट इस समय सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। इस फिल्म में सनी देओल वाराणसी के एक दबंग और बाहुबली के किरदार में नज़र आ रहे हैं। सनी देओल के साथ इस फिल्म में प्रीति जिंटा, अमीषा पटेल, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, सिरस तलपड़े और मुकुल देव जैसे बेहतरीन कलाकार नज़र आने वाले हैं। ये फिल्म एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। संजय मिश्रा ने इस फिल्म में ज़बरदस्त कॉमेडी की है। दर्शक इस फिल्म को देखने के बाद सनी देओल और संजय मिश्रा सहित अन्य कलाकारों की बेहद तारीफ कर रहे हैं। ये फिल्म 30 करोड़ के आसपास के बजट में बनी है। इस फिल्म का बनाना 5 साल पहले ही तय हो गया था, लेकिन फिल्म आखिरकार अब पर्दे पर नजर आई। इस फिल्म ने अपने रिलीज़ के पहले दिन 5 करोड़ के आसपास कमाई की, दूसरे दिन 4 से 5 करोड़ के आसपास कमाई की, तीसरे दिन भी फिल्म ने 5 से 6 करोड़ और चौथे दिन फिल्म ने 4.5 करोड़ की कमाई की। इस तरह चौथे दिन फिल्म ने कमाई में 115% की बढ़ोतरी हासिल की। सनी देओल के फैंस इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें। और पांचवें दिन इस फिल्म ने लगभग 4 से 5 करोड़ के बीच कमाई कर सकती है। आपको ये फिल्म कैसे लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।